नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां किसानों के चेहरों में मुस्कुराहट ला दी है, साथ ही आम जनता ने गर्मी से राहत की सांस भी ली है। वहीं बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ताज़ा मामला यूपी के फतेहपुर जिले के शहर स्थित सिविल लाइन इलाके का है, जहाँ अधिकारियों के आवास के अंदर तक बरसाती पानी घुस चुका है। बरसात का पानी घुसने के बाद नगरपालिका कर्मी इंजन की मदद से पानी निकालने का काम में जुट गए हैं। आइए डालते हैं रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर नजर। कि हमारे यहाँ रात में पानी बरसा और पानी भर गया, जिसके कारण से हम लोग रात भर परेशान रहे, पानी उलझे रात भर बाल्टी लिए। और ये इतना लोकेशन अच्छा है, ये इतना एक VIP एरिया है, आप समझ लीजिए कि ये CO कार्यालय है, इधर अम्बेडकर स्कूल है और इतनी घनी बस्ती है, और तब भी इसका कोई निवारण नहीं किया जा रहा है। यहाँ स्कूल में भी पानी भर गया है, स्कूल में भी पानी भर गया है, आप खुद ही देख सकते हो। और पूरे गली मोहल्ले में तो समझिए गांठी बराबर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं गंदगी, और ये इसका पानी का निवारण जल्दी से जल्दी किया जाए। अच्छा, ये किसकी गलती से पानी देखा जाए तो कैसे भर गया, क्या इसकी कोई व्यवस्था करता है? हाँ, इसकी व्यवस्था केवल यही है कि अब बारिश के समय नाला साफ करवाना चाहिए कायदे से। नाला, पहली बात तो ये नाला जो अभी बना है ये आउट समय पर बनना चालू होता है, ये हर बार की नियम है। जब बारिश का समय आता है तो ऐसे ही किया जाता है कि आउट मतलब बगैर समय के खुदाई और आना जाना समझ लीजिए कि सब बंद है, और ये रास्ता है और कुछ भी नहीं पानी निकल रहा है। बराबर पानी से हम लोग बहुत पीड़ित है, इसका निवारण जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि हो। इसका जिम्मेदार नगरपालिका है? इसका जिम्मेदार सिर्फ नगरपालिका ही है, क्योंकि उन्हीं के हाथ पे रहता है, शायद समय पे काम करवाते तो ये ऐसा हाल ना होता। क्या नाम है? हमारा नाम मुकेश कुमार है। अबू नगर है, CO सिटी ऑफिस। CO सिटी ऑफिस। यहाँ कितना पानी है? यहाँ कम से कम 4 फुट पानी भरा हुआ। कहाँ से आ गया ये पानी? कहाँ से आ गया? कहीं से पानी की निकासी नहीं है। बारिश का पानी है? बारिश का पानी है। कैसे क्या हुआ, इतना पानी भर गया, आप लोग कैसे निकलते हैं? निकलते का हिल करके निकलते हैं, नगर पालिका सुन रही ना, कोई सुन रहा है? नगर पालिका की व्यवस्था नहीं सही? नहीं, नगर पालिका की व्यवस्था बिल्कुल कचड़ा, और यहाँ के जो सभासद हैं उसाले बिल्कुल चूती यहाँ जाने, और इलेक्शन के समय पर खाली लेने वोट आते, पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं। बारिश में पूरा ये एरिया पूरा भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है। घरों में पानी भरा हुआ है? हमारे घर में खुद भरा पानी बारिश का, और क्या, गंदा पानी, इससे तो बीमारियाँ ही बढ़ेंगी। क्या नाम है आपका? मनीष। सर हमारा राजू नाम। हाँ, ये कहाँ पर हैं आप? अरे यहाँ पे बंगले में है, पानी भर गया था। कैसे पानी भर गया? बारिश से पानी भर गया। अच्छा, बारिश से पानी भर गया था, अब ये व्यवसाय की जाती है, पानी निकल रहा है। कहाँ के आवास हैं ये? कलेक्ट्रेट आवास मतलब अधिकारियों के आवास है। तो आप लोग कहे के लिए आए थे? हम लोग नगर पालिका से सफाई करनी है। अच्छा, तो यहाँ पानी निकासी के लिए आए थे।